हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम राहुल शोरी है। मैंने 2016 में अपना बीटेक कंप्लीट किया और साथ ही साथ उसी साल मैंने 9 बैंक पीओ और एओ एग्जाम्स भी क्लियर किए अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग। तो जो लोग चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें, उनका जो अभी तक नहीं हुआ है वो क्लियर हो जाए, वो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ मैं आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज मैं आपके लिए इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े से इजी भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे अप्रोच करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो इसलिए आज मैं पार्ट वन लेकर आया हूँ क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपको इसको पार्ट वाइज कराऊंगा। और इतना यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने मेरे सिर्फ ये वीडियोज ही देख लिए, आपको इंग्लिश की बुक भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। देखिए, नाम में ही आ रहा है कंडीशन। ठीक है, क्या आ रहा है? कंडीशन मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन होगी। ठीक है, इन विच देर इज अ कंडीशन। ओके, डैट इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द अदर। ओके, तो समझ में आया फ्रेंड्स कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई कंडीशन होगी। मतलब एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं ना, आपको पता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, वो इसका प्रेडिकेट। ठीक, अगर बेसिकली बात करें तो एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है। सपोज एक सेंटेंस के दो पार्ट समझ लीजिए, पार्ट वन और पार्ट टू, तो दो पार्ट में से एक पार्ट दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो उन सेंटेंसेस को कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। देखिए एग्जांपल देखिए, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। क्या कह रहा है? तुम तभी सफलता प्राप्त करोगे जब तुम मेहनत करोगे। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम तभी सक्सीड करोगे। यू विल सक्सीड कब? व्हेन यू वर्क हार्ड। मतलब ये सक्सीड वाला पोर्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सीड करोगे, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो क्या तुम सक्सीड करोगे? नहीं करोगे ना। तो बस ये समझ लीजिए, तो इसको कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए, कौन से वर्ड्स आते हैं कंडीशनल सेंटेंस में? इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल। ये तीन फ्रेंड्स कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिला था? प्रोवाइडेड देखने को मिला था। ओके, तो इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि ऐसा सेंटेंस है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, फिर बताता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और एक क्या होता है? मेन क्लॉज। देखिए, इफ क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, If I come to Delhi, I will meet you. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? If I come to Delhi, I will meet you. तो देखिए, ये एक पार्ट है सेंटेंस का कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि I will meet you, कि तब मैं तुमसे मिलूंगा। तो देखिए, इस सेंटेंस के साथ क्या लगा हुआ है? If लगा हुआ है, तो ये क्लॉज कौन सा हो गया? If क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा क्लॉज हो गया? If क्लॉज। और जो सेकेंड क्लॉज है इसको हम क्या कहेंगे? मेन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, पहला टाइप होता है कि जिसमें इफ क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है कि इफ क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। तीसरे टाइप में इफ क्लॉज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और चौथा टाइप क्या होता है? अदर टाइप्स। मतलब हमने क्या किया है, कंडीशनल सेंटेंसेस को टेंस के अकॉर्डिंग बांट दिया है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, इफ क्लॉज में पास्ट टेंस है तो क्या होगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के हिसाब से हम एक एक क्लॉज डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम एक एक सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए हम ए टाइप पहले डिस्कस करते हैं कि जिसमें इफ क्लॉज किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, तो इस सेंटेंस का जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है कि इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क है कि इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है तो मेन क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। फाइन, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है कि जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है।
ठीक है, क्या यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा इज और आर यूज होगा. जबकि सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है लेकिन उसके साथ विल यूज होता है. ठीक, क्या यूज होता है, विल का यूज होता है. तो सिंपल फ्यूचर में हम विल या शैल का यूज करते हैं, फाइन. जबकि सिंपल प्रेजेंट में हम इज आर का यूज करते हैं. दोनों में ही वर्ब कैसा होगा, फर्स्ट फॉर्म का ही रहेगा. ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ. जैसे एग्जांपल देखिए, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. देखिए फ्रेंड्स, जो इफ क्लॉज है उसमें कम आया मतलब प्रेजेंट टेंस आया, मतलब सिंपल प्रेजेंट. ओके, तो इफ क्लॉज देखिए आपको कैसा है, सिंपल प्रेजेंट. फिर क्या लिखा हुआ, आई विल मीट यू. देखिए यहां विल आ गया ना, तो ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है. देखिए इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और मेन क्लॉज किस में है, सिंपल फ्यूचर में. ठीक है, अब एक रूल समझ लीजिए फ्रेंड्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा. देखिए एक सेंटेंस में लिखा है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो इसमें क्या गड़बड़ी है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. सिंपल सी बात है कि अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा. तो क्या इसमें कोई एरर है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा एरर है. देखिए इसमें एरर क्या है वो समझिए. इसमें क्या है कि दोनों में देखिए, आपका जो इफ क्लॉज है उसमें भी आपका फ्यूचर टेंस यूज किया गया है, ठीक, और मेन क्लॉज में भी आपका विल मतलब फ्यूचर टेंस ही यूज किया गया है. मतलब एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस यूज किए गए हैं. अब देखिए फ्रेंड्स रूल क्या है, लिखा हुआ है कि इफ बोथ द क्लॉजेस आर इन फ्यूचर. ठीक है, कि दोनों क्लॉज अगर फ्यूचर में है और साथ में क्या कह रहे हैं कि सेकेंड वर्क डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वर्क, देन फर्स्ट वर्क इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड वर्क इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्रेंड्स इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लो. देखिए अब इसमें दिक्कत क्या थी कि दोनों फ्यूचर टेंस में है, ये नहीं हो सकता. आप इसको भी नोट कर लीजिए कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर क्लॉज नहीं हो सकते. ठीक, एक ही फ्यूचर क्लॉज होगा, एक नहीं होगा. तो जब एक ही होगा तो एक को तो हमें हटाना पड़ेगा. तो किसको हटाना है, है ना, कि पहले वाले को हटाना है कि दूसरे वाले को हटाना है, या हम इसको चेंज करेंगे, है ना, या हम इसको चेंज करें. अब किसको चेंज करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए ये लाइन लिखी है कि अगर सेकंड वर्क फर्स्ट वर्क पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट वर्क सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और सेकंड वर्क सिंपल फ्यूचर में रहेगा. ठीक, समझने के लिए देखिए सेंटेंस लिखा था कि इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, मतलब अगर मैं दिल्ली आया तभी मैं तुमसे मिलूंगा. मतलब जो मीटिंग है वो तभी पॉसिबल है ना कि जब मैं दिल्ली आऊंगा. मतलब ये जो सेकंड पार्ट है वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड हो रहा है ना. यही कह रहा ना कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तभी तो मिलूंगा ना, तो जो मिलना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा और सेकंड पार्ट क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर ही रहेगा. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा. तो इसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. तो क्या हो जाएगा, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. देखिए यही सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ था. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना कि किस विल को हटाएंगे किस विल को नहीं हटाएंगे. तो जो पार्ट डिपेंडेंट है ना, जो पार्ट डिपेंडेंट है वो क्या होता है, फ्यूचर में रहता है, और जो इंडिपेंडेंट है वो प्रेजेंट में रहता है. क्लियर हुआ, मैं एक एग्जांपल से आपको फिर से समझा देता हूँ. देखिए अगला एग्जांपल देखिए, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली. क्या कह रहा है, वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे. फाइन, तो देखिए एक जगह है मीटिंग का, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली. ओके, तो कौन सा पार्ट किस पे डिपेंडेंट है, तो मीटिंग वाला पार्ट किस पे डिपेंडेंट है, पहुंचने के ऊपर डिपेंडेंट है ना. यही है ना कि शी विल कम टू मीट यू एज यू सून यू रीच दिल्ली. तो क्या रीचिंग डिपेंडेंट है मीटिंग पे, नहीं ना, मीटिंग डिपेंडेंट है रीचिंग पे, कि जब तुम दिल्ली पहुंचेंगे वो तुमसे मिलने आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो किस में चला जाएगा, सिंपल फ्यूचर में. ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, और किस पे डिपेंडेंट है, इस पे कि जब वो दिल्ली पहुंचेगा. तो इसका मतलब ये पार्ट किस में रहना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में रहना चाहिए. तो इस विल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये जो फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, ये डिपेंडेंट है किस पे, सेकंड पार्ट के ऊपर. तो इसका मतलब सेकंड पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट कैसा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है. तो सेंटेंस क्या होगा, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है. तो बस जो इंडिपेंडेंट है वो प्रेजेंट में रहेगा और जो डिपेंडेंट है वो किस में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा.
आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। ओके, देखिए क्या कह रहा है। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई तब करप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो कि करप्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट होने पे डिपेंडेंट है। फाइन, जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट पार्ट पे, कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट बनी तब क्या होगा, करप्शन श्योरली खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट किस में रहेगा, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और सेकंड पार्ट किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। ठीक, तो सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में है, फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें से क्या हटेगा, विल को हटाना पड़ेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, इफ द गवर्नमेंट बिकम, अब देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, तो बिकम तो है प्लूरल, तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो बिकम के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स हो जाएगा। तो इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ इसमें एरर क्या था। तो इसमें विल हटेगा और बिकम के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकेंड सेंटेंस पर चलते हैं, क्या कह रहा है। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। क्या कह रहा है, मैं उसकी हेल्प तभी करूंगा जब वो अपने तरीके बदल लेगा। फाइन, देखिए प्रोवाइडेड यूज है मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आई विल हेल्प हिम, और सेकेंड पार्ट क्या है, ही विल मेंड हिज वेज। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट पे डिपेंडेंट है ना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा, जबकि सेकेंड पार्ट किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में, तो सेकंड पार्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो उसको क्या करेंगे, विल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड हिज वेज। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ मेंड लिखा हुआ है, और मेंड कैसा होता है, प्लूरल, जबकि आपका सब्जेक्ट कैसा है, ही, मतलब सिंगुलर। तो यहाँ मेंड के साथ क्या आ जाएगा, एस भी आएगा। तो फ्रेंड्स अब ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि आप एरर निकालते समय ये भी चेक कर लो कि क्या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। फाइन फ्रेंड्स, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो देखिए, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ओके, तो पहला पार्ट ये है, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, और दूसरा ही विल नॉट रिकवर। ओके, तो ये दूसरा पार्ट है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पे डिपेंड कर रहा है कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, जब तक वो अपनी सही से केयर नहीं लेगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। मतलब जो सेकंड पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। सेकंड पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और सेकंड पार्ट किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। तो देखिए, सेकंड पार्ट में ऑलरेडी विल है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको करेंगे, फर्स्ट पार्ट को, और इसमें से क्या करेंगे, विल को हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक एरर तो ये मिला। ओके, और दूसरा एरर भी है इसमें, क्या आप पहचान सकते हो। देखिए यहाँ पे अनलेस का यूज हुआ है, और मैंने बताया था कि अनलेस के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव काम नहीं करेंगे। तो इस नॉट को भी हम हटाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, इस नॉट को भी हटाएंगे। तो इस सेंटेंस में दो एरर थे। फाइन, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस ही टेक्स। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, अब टेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर होना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो इसलिए टेक जगह पे क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। तो अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो दो एरर थे, एक पहले पार्ट में क्योंकि उसमें विल लगा था, और दूसरा यहाँ पे नॉट भी लगा था। तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव यूज नहीं हो सकता, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, सेकंड नॉट क्योंकि ये सेकंड पार्ट में है, तो इसमें यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आपको आई थिंक ये तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेंटेंस में क्या है।
देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव. ठीक, तो क्या कह रहा है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कि जब ट्रेन आएगी तब प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएगा, रश हो जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो ये वाला पार्ट है कि रश वाला, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रेन के आने के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो देखिए इसकी हिंदी क्या बनेगी, कि जब ट्रेन आएगी तब क्या प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, रश हो जाएगा. तो मतलब ट्रेन के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. तो मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर, मतलब ये सेकेंड पार्ट को कह देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट सिंपल फ्यूचर में रहेगा, जबकि सेकेंड पार्ट किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में. तो सही सेंटेंस क्या होगा, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल हट जाएगा, और अराइव की जगह पे क्या हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा. ठीक, तो व्हेन द ट्रेन अराइव्स, क्योंकि ट्रेन हमारा सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कराया है वो क्लियर हो गया होगा. तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड में आप पहुंचे हैं. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया है. इस टॉपिक को हम पार्ट वाइज करेंगे ताकि आपको पूरा टॉपिक इजी वे में समझ में आ जाए. ओके फ्रेंड्स, तो कल हम सेकेंड पार्ट में मिलेंगे. तब तक के लिए आप इस पार्ट के साथ रिवीजन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ऐसा पार्ट कैसा लगा. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय.